तो हम युवा पीढ़ी हाथ में हथियार लेके उनको जैसा करारा जवाब देंगे। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले के बाद देशवासियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई युद्ध छेड़ने को कह रहा है तो कोई एक और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा का बदला लेने के लिए सेना को खुली छूट दे दी है कि 5 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा छीन ली गई है, लेकिन भारत के हाथ में पाकिस्तान की ऐसी कमजोर नब्ज है जिसे दबाने से ना तो युद्ध की जरूरत पड़ेगी और ना ही सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान की ये कमजोर नब्ज है सिंधु नदी। सिंधु जल संधि भारत का ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा जिससे उसे कोई सीधा खतरा नहीं है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सिंधु जल संधि तोड़ना भारत के पास एक बहुत असरदार विकल्प है। पाकिस्तान को उसकी जरूरतों का ज्यादातर पानी भारत से निकलने वाली सिंधु नदी से ही मिलता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जब अमेरिका संधियां तोड़ सकता है तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद अपने खास दोस्तों जापान और कनाडा समेत कई देशों से संधि तोड़ी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत को भी अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ अब कुछ कड़े कदम उठाने ही होंगे। पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद तक खुलेआम घूम रहे हैं। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। मसूद अजहर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक है। भारत पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने की मांग करता रहा है, लेकिन भारत की इस कोशिश में चीन रोड़ा अटकाए हुए है। भारत ने दो बार मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार चीन ने सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का इस्तेमाल कर मसूद अजहर को बचा लिया। पुलवामा अटैक के बाद भी चीन मसूद अजहर के समर्थन में खड़ा हो गया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि मौजूदा हालात में अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो चीन संयुक्त राष्ट्र में पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ देगा। ऐसे में भारत के लिए दूसरा विकल्प चुनना ज्यादा आसान है। पुलवामा अटैक के बाद भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में बोल रहे हैं। ऐसे में सिंधु का पानी रोककर भारत पाकिस्तान को घुटने पर ला सकता है। उरी हमले के बाद भी सिंधु जल संधि को खत्म करने की मांग उठी थी। सिंधु नदी से मिलने वाले पानी के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने दो प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया था। विश्व बैंक की मध्यस्थता में 19 सितम्बर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ था। इसे ही सिंधु जल संधि कहते हैं। हालांकि संधि पर दस्तखत से पहले ही 1 अप्रैल 1960 से इसे लागू कर दिया गया था। इस संधि पर जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने दस्तखत किए थे। संधि के तहत भारत 6 नदियों का पानी पाकिस्तान को देता है। इसमें जम्मू कश्मीर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, जबकि पंजाब की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज शामिल है। संधि के तहत 6 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है, जबकि भारत को सिर्फ 19.5% पानी ही मिलता है। जाहिर है समझौते से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को ही है।